नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिंग सिंह रील में। और इस बार एक बार फिर से नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। और इस बार मैं जा रहा हूँ विदिशा, मतलब भोपाल। और विदिशा में क्या है, विदिशा मतलब मैं जा रहा हूँ सांची के स्तूप आपने सुने होंगे बहुत सारे। और सांची फेमस क्यों है, सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उनमें से केवल एक ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर कंप्लीट हो पाई है, वो मैं खज रहा हूँ। और इस चैनल पर आपको सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ही सीन देखने को मिलेंगे। अधिकतर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, करीब 40 साइट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं यूनेस्को की, उन्हीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मैं जो है वो कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गया था ओरछा, और ओरछा में जो गया था वो कम इन्फॉर्मेशन के कारण गया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि ओरछा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, पर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं था। काफ़ी पहले लिस्टेड हुआ था पर उसको जो है रिमूव कर दिया गया था बाद में। और इस बार मध्य प्रदेश में पहला मैंने खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरा कंप्लीट किया, और अब जा रहा हूँ सांची। सांची में जो स्तूपा है, सांची के स्तूपा जो भगवान बुद्ध थे, हमारे गौतम बुद्ध, उनके ऊपर जो है वहाँ पर बहुत सारा काम किया गया था। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो है स्तूप बनवाए थे वहाँ पर, तो उन्हीं को वेट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं कानपुर सेंट्रल में हूँ और जा रहा हूँ भोपाल। भोपाल से सांची करीब पड़ेगा 46 किलोमीटर। तो मैंने जो डिसाइड किया, विदिशा से जो सांची है वो 9 किलोमीटर है, इसलिए मैं विदिशा में ही उतर जाऊँगा और वहाँ से मैं जो है सांची स्तूप तक आपको लेकर जाऊँगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे। और घर बैठे आप स्तूप भी देख पाएंगे कि सांची के स्तूप आप कैसे हैं। तो अभी भाई ये कानपुर सेंट्रल है और मैं अभी जो है यहीं पर बैठा हुआ हूँ, और थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है तो दिखाता हूँ आपको ट्रेन, इस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ। तो भाई हम लोग विदिशा आ गए हैं, और विदिशा से सांची पड़ेगा 9 किलोमीटर। और मेरी जो ट्रेन थी वो ये थी, गरीब रथ। लास्ट टाइम भी मैं इसी ट्रेन से आया था, आप लोगों को शायद मालूम है। और ये रहा विदिशा, ठीक है। तो विदिशा से सांची करीब पड़ेगा 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर यहाँ से मेरे को कन्विंस करके जाना पड़ेगा, तो भाई टैक्सी या भाई बस से लोग जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या कन्विंस मिलता है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इस टाइप की बस है जो आपको सांची तक लेकर जाएगी। सांची यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर होगा। और बस देखिए भाई, बस इस टाइप की है, लोकल बसेस हैं अपनी, जैसे यूपी में UPSRTC की चलती हैं तो वैसी नहीं चलती यहाँ पर। यहाँ पर लोकल जो ऑनर्स होते हैं उनकी बसें चलती हैं, और जो यहाँ पर किराया है वो करीब 20 रुपीज़ का। आपको रेलवे स्टेशन से पहले आपको बस स्टैंड आना है तो 20 रुपीज़ का आपको वहाँ पर पे करना होगा, एंड देन आपको बस में 20 रुपीज़ का पे करना होगा। तो ये भाई अभी तक का सीन है, और जल्दी आपसे मिलते हैं सांची स्तूपा पर। तो इस तरफ तरह का व्यू है यहाँ पर कुछ, और काफ़ी हाइट पर है, जितने भी स्तूपा हैं वो सारे काफ़ी हाइट पर हैं। और जो सांची सेंटर है, सांची सेंटर से करीब 700 से 800 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। वही आप देख रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई है वहाँ से, और ये ऊपर तक एकदम चढ़ती हुई रोड है, काफ़ी स्टीप है। और माउंटेन्स इसको माउंटेन्स तो नहीं कहेंगे, जंगल कहेंगे इसको, बहुत सारे पेड़ हैं। MP है, मध्य प्रदेश में तो वैसे भी आपको ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे अपने UP की अपेक्षा, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप नहीं है मध्य प्रदेश में, इसी वजह से। और ये रोड सीधा जाता है सांची स्तूपा के लिए। तो हम लोग स्तूपा पहुंच रहे हैं। मैंने टैक्सी लेने का जो सोचा था वो नहीं लिया, इसलिए लिया।